आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल स्पेस साइंस पर, जिसमें मैं आपके लिए लाता हूँ स्पेस से जुड़ी इंटरेस्टिंग और अद्भुत वीडियोस। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। स्पेस एक्स का एक रॉकेट कुछ हफ्तों में चांद की सतह से टकराने वाला है। टकराते समय उसकी गति करीब 9,288 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यह अनुमान खगोल वैज्ञानिकों ने लगाया है। यह रॉकेट 7 साल पहले छोड़ा गया था। यह रॉकेट अंतरिक्ष में क्लाइमेट चेंज पर नजर रखने वाले सैटेलाइट को लेकर गया था, लेकिन उसके बाद यह अंतरिक्ष में अजीबोगरीब कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए अब चांद की तरफ उड़ गया। ये बात है फरवरी 2015 की, जब एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट से पर्यावरण पर नजर रखने वाले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में 15,00,000 किलोमीटर दूर पहुंचाया था। उसके बाद से यह रॉकेट का ईंधन खत्म हो गया। तब यह 4,400 किलोग्राम वजनी रॉकेट बूस्टर अंतरिक्ष में घूम रहा था। अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि 4 मार्च 2022 को यह रॉकेट चांद की सतह से 9,288 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। यह दावा किया है नियर अर्थ ऑब्जर्वेट्स को ट्रैक करने वाले बिल ग्रे ने। 21 जनवरी को बिल ग्रे ने अपने ब्लॉग में लिखा कि 5 जनवरी को एक स्पेस जंक चांद के बगल से गुजरा जो 4 मार्च 2022 को चांद की सतह से टकरा सकता है। इस बात की पुष्टि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट जोनाथन मैकडोवल ने अपने ट्वीट में भी की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि यह कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन इसे देखना एक हैरत अंगेज एहसास दिलाएगा। बिल ग्रे ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि यह पहली बार होगा जब गैर इरादतन तरीके से कोई रॉकेट चांद सतह पर जाकर टकराएगा। या यूं कहें कि इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में फैलाया गया कचरा चांद की सतह से टकराने वाला है। स्पेस एक्स का यह पहला डीप स्पेस मिशन था। उसका रॉकेट बूस्टर अब काम नहीं करता। स्पेस एक्स ने पहली बार डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी भेजी थी। डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी एक खास तरह की सैटेलाइट है जो सौर तूफानों और धरती के वातावरण पर नजर रखती है। इसे सूरज और धरती के बीच ग्रेविटी मुक्त लैरेंज पॉइंट पर तैनात किया गया है। अपना काम पूरा करने के बाद रॉकेट के दूसरे स्टेज का ईंधन खत्म हो गया और धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, लेकिन पता नहीं कैसे वह चांद की कक्षा में अप्रत्याशित तौर से चला गया। बिल ग्रे के गणना के मुताबिक एक लंबा सिलेंडर रॉकेट चांद की भूमध्य रेखा के आसपास कहीं गिरेगा, वह भी चांद के फार साइड की ओर। इसका मतलब यह है कि इसके टकराव का नजारा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अभी तक इस रॉकेट की ट्रैजेक्टरी, इसके पीछे 100 रेडियस जवाब भी काम करते हैं, यानी दिशा और मार्ग दोनों ही तय नहीं है। इनमें से कोई फैक्टर ज्यादा या कम हुआ तो ये कहीं भी गिर सकता है या फिर सुदूर अंतरिक्ष में गायब हो सकता है। बिल ग्रे कहते हैं कि अंतरिक्ष के कचरे ट्रिकी होते हैं, कि दिशा और मार्ग के बारे में कोई गणना सटीक नहीं हो सकती। हालांकि बिल ग्रे ने कहा कि उन्होंने सही गणितीय फार्मूला लगाकर यह पता लगाया है कि रॉकेट चांद पर कहां गिरेगा। उन्हें इस बात का मोटा मोटा अंदाज है कि सूरज की रोशनी, रेडिएशन और दबाव उसे कितनी दूर ले जा सकती है, चांद पर कहां गिरा सकते हैं, लेकिन ये फैक्टर्स भी तो गणना से बाहर है, भी कम तो कभी ज्यादा। इस रॉकेट के चांद से टकराने का सही अंदाजा वहां चक्कर लगा रहे भारतीय चंद्रयान 2 या अमेरिकी लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह की बारीक फोटो लेने में सक्षम है। वह रॉकेट और उसके टकराव से बचने वाले इंपैक्ट क्रेटर को देख सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि चांद की सतह पर इंसानों द्वारा बनाया गया कोई रॉकेट टकरा रहा हो। इससे पहले भी इंसानों द्वारा बनाया गया सैटेलाइट चांद की सतह से टकरा चुके हैं। साल 2009 में अमेरिका लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 9,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया था। इसके टकराव से ऐसा गुब्बार निकला जिससे वैज्ञानिकों को बर्फीले पानी का पता चला था। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। जय हिंद।